लेकिन घोड़े लाइन क्रॉस कर जाते, भाग भी जाते काफ़ी दूर, आप पकड़ के लेकर के आ रहे हो, है ना। तो ऐसा अगर हो जाता है, फॉल स्टार्ट हो जाता है ये 807.4, ठीक है, कम्बिनेशन मस्ट रिटर्न एंड रिक्रॉस द स्टार्ट लाइन एट द शेड्यूल टाइम। कोई जुर्म नहीं है कि आपने क्रॉस कर भी दिया तो वापस आके शुरू करना है। दूसरा इसमें यह है कि जैसे स्टार्ट हो गया, मान लो फ्लैग ऑफ हो गया, किसी कारणवश आप नहीं पहुंच पाए, तो ये मत समझो कि मैं तो लेट हो गया। आप 15 मिनट तक स्टार्ट ले सकते हैं। मान लो स्टार्टिंग टाइम आपका गो का टाइम था 7 o'clock, तो 7:15 तक आप आकर के आप अकेले स्टार्ट ले सकते हैं। so, ये भी है उसके लिए। बट अगर आप फ्री इधर था, आप यहाँ से सीधा इधर चले गए, सो आप यहाँ वापस आओ, यहाँ से CP3 पे जाओ और फिर आप CP4 पे जाओ। उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन, कोई किसी प्रकार का जुर्म, कोई गलती कुछ नहीं है। चेक पॉइंट, CP होता है चेक पॉइंट, कंपलसरी पॉइंट होता है जो आपको पास करना ही करना है। बेसिकली वो इसीलिए कि जैसे 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो ये डायरेक्ट चला जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ कंपलसरी पॉइंट दे देते हैं कि ताकि आप उसको क्रॉस करके ऐसे आओ। सो आप फ्रॉम वेयर आर यू लॉस्ट द ट्रैक, कम बैक टू द पॉइंट एंड यू कैन रीस्टार्ट। जरूर नहीं कि आप CP2 पे ही आए, वो आपको अपना देखना है कि मैं रास्ता कहाँ से भूला हूँ, है ना। अगर मान लो आप CP2 से ही भूले हो तो आप वापस 2 पे आ जाओ, या 2 के पहले आप थे वहाँ से आप चले जाओ, क्योंकि आजकल तो है सर। बाकी 8 years का एज हो जाता है देन अगेन इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट इंडिया में ये रूल चला रखा है। हमने बताया फेडरेशन को ये रूल FEI के रूल के बरखिलाफ है, इसको मत चलाओ। बोलते हैं ये तुम FEI के रूल वहाँ चलाया करो, स्विट्जरलैंड में यहाँ नहीं चलते, यहाँ तो हमारा देश है, हमारे रूल चलेंगे, ठीक है जी। 18-20 की स्पीड देता था, बल्कि 2016 में जब मैंने टेक्निकल गाइडलाइन मैंने बनाई थी फेडरेशन की, टेक्निकल गाइडलाइन में जॉइंट सेक्रेटरी टेक्निकल था, मैंने उसमें दिया था कि घोड़े की मिनिमम स्पीड 60 के अंदर 18 km/h होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो उस घोड़े को नहीं माना जाएगा। लेकिन अब जब से नोविस क्वालिफिकेशन का चक्कर शुरू हो गया, तब से वो रूल सब खत्म हो गए। अब 16 km/h की स्पीड है। अभी आप जो इवेंट कर रहे हो, अभी तो आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये अपने दिमाग में ये रखो 16 का स्पीड आपको मेंटेन करना है। अंडरस्टूड सर? 26 की स्पीड हाँ है, क्योंकि मैं 160 क्वालिफाइड हूँ और मेरा घोड़ा जो है वो भी मेरा 8 years के ऊपर का है, मैं FEI के अंदर भी ले जा सकता हूँ उसको। अंडरस्टूड? बट अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग में 16 km का अपना स्पीड बना के रखिए, अपना कैलकुलेशन करके रखिए कि मुझे ये 20 km 1 घंटा 15 मिनट से पहले ख़त्म नहीं करना है, मैं 1 घंटा 16 मिनट में कर लूँ बट 1 घंटा 14 मिनट में, ठीक है। वही आएगा ना, 1 घंटा 15 मिनट आएगा 20 का स्पीड, 20 km 16 की स्पीड से इतना ही आता है ना, आप लोग पढ़े लिखे हो। क्लासिफिकेशन, शुरू से ही 5 km घोड़े को केवल चला करके लेके आया, वहाँ 40 km का लूप था, 20 का नहीं था, ठीक है। सो 5 km तक हम आराम से चल के आए हम, क्योंकि पीछे वाला घोड़ा मेरे से काफ़ी पीछे था, कोई दिक्कत नहीं थी, हालांकि मैं फर्स्ट भी नहीं आया, 9th आया, ठीक है, बट पीछे था वो। मैंने कहा ठीक है, क्यों ज़्यादा पंगा लेना है घोड़े को, और हम पहुँचे, मैंने सैडल उतार के दिया और घोड़े को सीधा वेट गेट में ले गया, बिकॉज मेरा ऑलरेडी कंट्रोल्ड था। उसमें हार्ट रेट मॉनिटर लगा हुआ था उसके ऊपर, सामने हार्ट बीट आ रही थी वो दिखा रहा था, आजकल पहले परमिटेड नहीं था, अभी आप हार्ट रेट मॉनिटर घोड़े के ऊपर लगा सकते हो, उसके 2 मॉनिटर होते हैं सैडल के साइड में लग जाते हैं, और यहाँ सामने आपके उसका आ जाता है बोर्ड, उसमें सब कुछ आ रहा है। दूसरा सिस्टम घड़ी पे भी आता है, वो स्मार्ट वॉच है, उसके सामने बोर्ड मत लगाओ, घड़ी में रख लो, आप कहीं भी रख लो, मतलब आपको बेसिकली आपने मॉनिटर करना है। सो डायरेक्ट लेके जाओ, कोई ज़रूरी नहीं नहलाना। बेसिकली नहलाने कॉन्सेप्ट क्या है कि विदेश में कुछ लोग क्या करते हैं कि घोड़े को, इसमें रूल्स में पढ़ोगे आप कि क्रीम लगाते हैं घोड़े के, अब रीज़न मुझे नहीं समझ में आया क्यों लगाते हैं, ठीक है, घोड़े को क्रीम लगाते हैं, ठीक है, और वो क्रीम जो है जब आएगा वेट के पास, जब वेट मॉनिटर लगाता है तो क्रीम इंटरफियर करती है उसका एग्जामिनेशन करने में, मतलब ठीक रीडिंग नहीं देती है, तो बेसिकली क्रीम को हटाना है, तो उसको नहलाओ या पोंछो, जो भी करो जैसे करो। तो ये लॉजिक समझ में आया मुझे नहलाने का, बाकी तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। पानी पिलाते मैंने देखा, विदेश में नहलाते हो मैंने नहीं देखा, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे नहलाते भी है, जैसे ये 8:16 पे आप आए, आपके पास में 15 मिनट है घोड़े को प्रेजेंट करने के लिए,
यानी 8:31 तक का टाइम आपके पास है। आप अगर उसको 8:17 पे लेके गए तो आपका घड़ी 8:17 पे बंद हो जाएगा, आपका टाइम टेकन 1 आवर 17 मिनट कहलाएगा। लेकिन आप बैठे रहे 31, अरे अभी तो 15 मिनट है, ले जाएंगे। आप गए 8:30 पे तो आपका टाइम रिकॉर्ड हुआ 8:30 का, यानी कि 1 घंटा और 16 और जो ये टाइम लिया आपने 14-15 मिनट। इसके बीच में दूसरे राइडर चले गए जो आपके बाद आए थे, तो वो आप या आगे हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि एंड्योरेंस का गेम जो है वो जीता और हारा जाता है वेट गेट में, ट्रैक में नहीं। वेट गेट में किसने घोड़ा पहले प्रेजेंट किया, फिनिश के बाद नहीं, फिनिश के बाद नहीं। ये फिनिश से पहले वाले जो क्रॉस होते हैं लूप के, 20 के बाद करोगे या 60 कर रहे हो तो 40 के बाद करोगे, क्योंकि जब फिनिश लाइन क्रॉस करोगे तब तो वहाँ घड़ी बंद हो जाएगी। ओके, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने घोड़े को प्रेजेंट करना है। इस गेट में मैं एंटर करता हूँ, तब मेरा टाइम क्लोज होगा, ठीक? लेकिन उसमें एक कंडीशन, टाइम कब क्लोज होगा जबकि मेरी हाथ रेट ठीक है, ठीक है? अगर मेरी हाथ रेट ठीक नहीं है मैं दोबारा जाऊँगा, जब दोबारा प्रेजेंट करूँगा ठीक हाथ रेट के ऊपर तब मेरा टाइम क्लोज, ठीक है? तो जैसे घोड़ा यहाँ एंटर किया तो यहाँ पे एक वेटेरियन होता है जो कि आपके पल्स लेता है, केवल घोड़े की पल्स लेगा, जोर से बोलेगा 64, 62, 60 जितना भी है, ठीक है? मैं ग्राउंड जूरी बाहर खड़ा हूँ, मैंने सुन लिया, ठीक है, ओके। अगर मान लो किसी का बोल देता है 68 तो मैं उसको बोलूँगा ओके कार्ड मेरे को दो, उसको कार्ड के अंदर जो यहाँ अंदर आया था तो उसका टाइम भरा था ना, तो अभी यहाँ पे उसका टाइम को उसको काट देंगे और उसमें टिक कर देंगे कि रिटर्न वापस आएगा, अभी री इंस्पेक्शन टिक कर देंगे और फिर घोड़े को बाहर कर देंगे, उसका कार्ड उसको दे देंगे, टाइम कार्ड, ठीक है? फिर दोबारा जब आएगा, अभी जैसे कई लोग क्या करते थे कि क्योंकि अभी है तो है कि वेटनरी ना, इसके यहाँ 4-5 घोड़े यहाँ खड़े हुए हैं तो अब एक 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 अगर टाइम लगेगा सब में, अगर 15 सेकेंड के रूल से भी जाएगा तो भी 4 घोड़ों में 2 मिनट तो लगेंगे, 1-2 मिनट तो। तो स्मार्ट आदमी क्या करेगा, अपने घोड़ों के लाके टाइम नोट करवा लेगा, इससे टाइम नोट जब तक इसका नंबर आया यहाँ पे ठीक हो गया, ट्राई कर सकते हो। कभी कभी नहीं भी होता है, आप आओगे हार्ट रेट ऊपर आ गया, बैड लक है वो, ठीक है, बट ये ट्राई कर ले, कर सकते हैं। जब ये हैं एवरेज डिपेंड्स, 38 भी है, बना के गई घोड़ा जिनका 38 है, एंड्योरेंस हुआ, वहाँ जूरी भी थी सभी थे, बट आई थिंक दे वर नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड, इतना आप लोगों को एक्सपीरियंस है वो नहीं था, इसलिए उनको भी पकड़ में नहीं आई। सर भी साहब और मैं दोनों वहाँ खड़े थे फिनिश लाइन पे, और 8 लड़के बिफोर टाइम, वो जो आपका स्पीड का है उससे पहले आ गए, और लोग उनको कह रहे थे कि अरे तुम्हारा तुम जल्दी आ गए हो, जल्दी आ गए हो, उनके समझ में आई नहीं, बिल्कुल फिनिश लाइन पे आ गए, फिर उनको समझ में आए कि वो हम जल्दी आ गए तो घोड़े रोक लिए, खड़े हो गए, वो डिस्क्वालिफिकेशन, यू कांट स्टॉप दिस, वंस यू आर फिनिशिंग आपको लाइन क्रॉस करनी है, आप फिर घोड़े को रोक के आप खड़े नहीं हो सकते। 9th एक आदमी आ रहा था जिसको फिर बाद में गोल्ड मेडल भी मिल गया, उसका अभी तक केस चल रहा है, वो उतर गया घोड़े से, उसने देख लिया कि ये चल गलत चले गए, इनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। हम भी खड़े थे, हमने कहा भाई ये 8 आदमी के तो नंबर नोट कर लिए, ये तो आउट है, जूरी को बता दिया कि साहब ये तो आउट है, वो घोड़े से उतर गया, वॉक करता आ रहा था, वो अलाउड है, पर जब वो माउंट करने लगा वो घोड़ा घूमने लग गया, उस स्विंग द बैक टू दी, वो होता है घोड़ों में कभी कभी, घोड़े ने माउंट नहीं करने दिया उसको, वो घोड़ा घूमने लग गया, दैट इज आल्सो डिस्क्वालिफिकेशन। नाउ वो घोड़ा इट हैज टू बी कंटीन्यूअस फॉरवर्ड मोशन, ये रिवर्स मोशन हो गया ना, अब वो चाहे माउंटिंग के टाइम गलती उसने करी या वो माउंट कर देता, घोड़ा चलता चलता बैठ जाता, पर वो रुका, फिर वो घोड़ा ने टर्न मार लिया, वो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, पर उसको फिर इन्होंने पास कर दिया, उसका केस चल रहा है। विजिबल डिस्टेंस, विजिबल डिस्टेंस ऑफ द जूरी, विजिबल डिस्टेंस, आप
पहले दो किलोमीटर डाला था इन्होंने, हमने सोचा ठीक है आप इधर आके ऐसे चक्कर नहीं मार सकते, ठीक आप यहाँ से आ रहे हो आप डिसमाउंट नहीं हो सकते कि यार मैं यहाँ उतर के फिर यहाँ आके फिर चढ़ के लाइन क्रॉस करूँ, ठीक है कि मैं जल्दी आ रहा हूँ तो मैंने क्या सोचा है कि यार मैं इधर उतर के थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, नहीं जहाँ तक जूरी की नज़र जाती है आप कुछ नहीं कर सकते। पहले यह 2 किलोमीटर का रूल होता था कि 2 किलोमीटर तक आप नहीं हो सकता, 40 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन हम बच्चों को एनकरेज करने के लिए हम 10 किलोमीटर का भी कर लेते हैं, बट नॉट इन द नेशनल कंपटीशन, मतलब अपना लोकल कोई हम कर रहे हैं कोई क्लब फंक्शन, तो उनको बच्चों को प्रमोट करने के लिए हम 10 किलोमीटर का लूप भी रख लेते हैं, ठीक है ना, वो बेसिकली उनको प्रमोट करने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए, बट एज पर द रूल द लूप हैज़ टू बी मिनिमम 16 किलोमीटर मैक्सिमम 40 किलोमीटर्स, यहाँ 20 का रखा हुआ है तो 20 किलोमीटर के लूप के अंदर आप जो है उसके अंदर अपना एवरेज स्पीड जो मैं आपको बता रहा था 814.3 लेंथ ऑफ ईच लूप में वेरी ये सॉरी ये 814.2 लूप टाइम ही कैलकुलेट टाइम द कम्बिनेशन क्रॉसिंग द स्टार्ट लाइन जब आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है एंड अंटिल यू रीचेज द एंड लाइन ऑफ दैट लूप, लूप तो होनी चाहिए आप 40-40 मैक्सिमम है तो जरूर नहीं 40-40-20 करो आप, ठीक है 40-30-30 कर दो, है ना इस तरीके से। लूप्स मस्ट भी ये अगेन ऑर्गेनाइजर के लिए बेसिकली कि किस तरीके के लूप हो, कि डिफिकल्ट कोर्स को फर्स्ट लूप में रखो, अपने यहाँ तो क्या है कि एक ही लूप के ऊपर हम करते रहते हैं, विदेशों में ऐसा भी है कि वो आप वहाँ आते हैं लूप सिस्टम है ही नहीं, आप 20 किलोमीटर गए वहाँ पे एक वेट गेट बना रखा है उन्होंने चेक कराया फिर आप 20 किलोमीटर चले गए, फिर यूरोप में है ज़्यादातर, ठीक है ना वहाँ की ज़मीनें बहुत बड़ी हुई हैं वहाँ पे, और दूसरा है अपनी तरह ट्रैक नहीं बनाते वो ऐसे जैसे खेतों के बीच में मेड़ नहीं होती उस पर चलते हैं घोड़े उसी पर चलाते हैं, ठीक है उस तरीके का हमने यहाँ ईजी मतलब ईज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कम ऑफिशियल लगेंगे तो हम एक ही जगह कर लेते हैं। दूसरा फेज टाइम जो है आपका दिशवाजी और लूप टाइम, ठीक है ना ताकि आप कंफर्म हो जाओ बिल्कुल तब घोड़े को लेके जाओ, तो ये डिफरेंस है कि विद इन द लूप्स एंड फिनिश लाइन। रिकवरी एरिया इज द जहाँ पे आप क्रूइंग करते हो, आप घोड़े को अपना वापस से रिकवरी करते हो 64 BPM पे लाने के लिए, दौड़ के आया घोड़ा हो सकता है 85 हो 75 हो 70 हो तो आप उसका BPM डाउन करो। क्या दिख रहा है नया पॉइंट इसमें डाला है इन्होंने, बेसिकली ऑर्गेनाइजर्स के लिए आप लोगों के लिए नहीं है कि शेड्यूल में ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। दूसरा मैं आपको जो बता रहा था ये नई चीज़ जो डाली है ये 1 फेज 2 फेज, पहले ये 1 फेज वाला होता था केवल, वेटनरी इंस्पेक्शन जो था ना मैं आपको बता रहा था कि एक वेटेरियन अलग से लगा देते हैं वो 2 फेज के लिए, ठीक है तो 2 फेज अपने इंडिया के यहाँ पर नहीं कर रहे ये 1 फेज ही कर रहे हैं अभी, ठीक है ये नई चीज़ डाली है इन्होंने इसलिए रेड में है। 2 फेज इंस्पेक्शन है कि एक तो आपका घोड़ा जैसे ही अंदर घुसा उसने आपका हार्ट रेट चेक कर लिया, अभी हो सकता है कि वो चेक करने वाला वेटनरियन इतना क्वालिफाइड ना हो थोड़ा गलत देख ले, तो जो सेकंड जब लेन में जब जाएगा घोड़ा तो लेन वाला डॉक्टर भी चेक करेगा आपके हार्ट रेट। 1 फेज में क्या है कि वहाँ चेक कर लिया तो ये टाइम वेस्ट नहीं करता है। आप में इसको वेटनेरियन भी है? नहीं है कोई वेटनेरियन नहीं है,